न्यूज चैनल सबसे तेज सबसे आगे उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद सलेमपुर क्षेत्र के अंदर देश में सबसे ज़्यादा महामारी कोरोना महामारी भी चल रही है। उत्तर प्रदेश की सरकार बार बार सजेशन दे रही है, उसके बावजूद भी सलेमपुर क्षेत्र के लोग सतर्क नहीं हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार लॉकडाउन भी लगाई हुई है, लेकिन यहाँ पर लॉकडाउन का असर भी नहीं दिख रहा है। सलेमपुर क्षेत्र से प्रशासन भी हर जगह अपनी मुस्तैदी कर रही है, सबको समझा रही है, लेकिन लोगों पे उसका भी असर नहीं दिख रहा है। देवरिया जनपद के अंदर सलेमपुर क्षेत्र में दुकानें सारी खुली हुई हैं, दुकानें खोल कर अंदर दुकानदार घुसा के कपड़े दे रहे हैं, उसका भी असर नहीं दिख रहा है। केंद्र सरकार भी ये सजेशन बराबर दे रही है, उसके बाद राज्य सरकार भी सजेशन दे रही है। कोरोना महामारी अपने चरम सीमा पे है, लेकिन लोगों को डर पैदा नहीं हो रहा है। वही मैं बोलूँगा, अपने सहयोगी को जरा दिखाएं किस तरह से रोड पर लोग चल रहे हैं और किस तरह से गाड़ियाँ आ रही हैं, कैसे चल रहे, लोगों के अंदर डर पैदा नहीं हो रहा है। यही देखने को मिला हमें सलेमपुर क्षेत्र में। आप देख रहे हैं स्टार न्यूज चैनल सबसे तेज सबसे आगे, देवरिया से निगम पांडे की रिपोर्ट। बात करें उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद की, जहां उत्तर प्रदेश सरकार ने पूर्ण तरीके से लॉकडाउन लगा रखा है। इस कोरोना काल को देखते हुए जहां लोगों की मौतों का आंकड़ा लगातार आसमान छू रहा है, रोज नए आंकड़े मिल रहे हैं, वहीं लॉकडाउन का कितना असर है ये आपको हम वीडियो में दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ मार्केट खुली हुई है, लोगों की चहल पहल बिल्कुल ऐसे है कि लॉकडाउन का कोई मतलब ही नहीं है। कुछ पुलिसकर्मी भी आपको दिखाएंगे जो दुकानों को बंद करवा रहे हैं, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है। राम राज्य में जिसको योगी जी कहते हैं कि यह राम राज्य है, उत्तर प्रदेश जहां मौतों की गिनती करना नामुमकिन है, इसको रोकना कोरोना काल में लोगों ने बहुत सारे अपनों को खोया है। कुछ ने अपने दोस्तों को खोया है, कुछ ने अपने परिवार को खोया है और खो रहे हैं, लेकिन सरकार हमारी क्या कर रही है, सरकार आखिरकार किस लिए बनाई जाती है। जब तक लोगों को संपूर्ण लॉकडाउन की रोकथाम नहीं होती, मौतों का आंकड़ा इसी तरीके से बढ़ता रहेगा। कहीं ना कहीं सरकार की कमजोरी दिखाई दे रही है, या ये कहा जाए कि लोगों की समझ में बात नहीं आ रही है, या लोग मान नहीं रहे हैं, पुलिस लोगों को नहीं समझा पा रही है। आप देख सकते हैं कि मार्केटें खुली हुई हैं, लोग सारे इस तरीके से सामान खरीद रहे हैं जैसे कि कोई लॉकडाउन का मतलब ही नहीं है। चाहे वो बस हो या कोई मार्केट हो, किसी भी तरीके का कोई मतलब नहीं है जो लोग यहाँ रुक रहे हैं। आप देख सकते हैं कि बाइकों पे भी किस तरीके से, क्या आप कह सकते हैं कि यहाँ पर लॉकडाउन का कुछ असर दिखाई दे रहा है। हम इसी कड़ी में आपको ये दिखा रहे हैं, अब आपको हम मार्केट का नज़ारा दिखाते हैं। ये मार्केट है जहां पर आपको भीड़ नज़र आ जाएगी। क्या इस कोरोना काल में जिस तरीके से लोग अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं, कहीं ना कहीं मौत को दावत दे रहे हैं। यहां देख लीजिए, मास्क भी नहीं लगाया हुआ है दुकानदार ने, और कपड़े की दुकान है जो कि इस लॉकडाउन के अंदर नहीं खोल सकते। क्या इनको पता नहीं है कि इस कोरोना काल में कितने परिवार ऐसे हैं जिनके अपने बिछड़ चुके हैं, लेकिन इन लोगों के अंदर डर भय किसी चीज़ का कोई फिक्र नहीं है, ना शासन ना प्रशासन का। हम आपको लगातार इस तरह की खबर दिखा रहे हैं जिससे, और लोगों को भी जागरूक कर रहे हैं, लोगों को खुद समझना चाहिए कि इस लॉकडाउन में जो कोरोना काल है उससे लोगों की काफ़ी हद तक मौतें हो रही हैं। यहाँ मार्केट खुली हुई है, कुछ लोगों ने क्या कर रखा है, दुकान का शटर थोड़ा सा नीचे कर रखा है जिससे दिखाई ना दे। ये देख लीजिए, ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, अब जब पुलिस वाले इनको नज़र आने लगे हैं तो इन्होंने दुकानें बढ़ानी शुरू कर दी है, नहीं तो मार्केट ऐसे चहल पहल है जैसे आए दिन रहती है। किसी चीज़ का कोई डर भय या खौफ इनके अंदर नज़र नहीं आ रहा है। कहीं ना कहीं शासन प्रशासन की चूक जरूरी है, क्योंकि इस कोरोना काल में जिस तरीके से मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है तो शासन प्रशासन को भी चौकन्ना होना पड़ेगा।
लेकिन यहाँ लोग मान नहीं रहे हैं, यहाँ दुकान के अंदर बढ़ जाते हैं, उसके बाद शटर नीचे कर लेते हैं। खुद देख लीजिए कि किस तरीके से दुकान के अंदर गए, शटर बंद कर लिए, और जिससे कि अगर पुलिस भी आए तो उसे पता ना चले कि कोई है यहाँ पर या नहीं है। ये देख लीजिए मार्केट का नज़ारा है कि किस तरीके से लॉकडाउन कराया जा रहा है, लॉकडाउन का असर होगा। हम आपको इसी तरीके से पूरे देवरिया जनपद का दौरा हम इस वीडियो के ज़रिए आपको करा रहे हैं। आप खुद भी देख रहे होंगे कि कितनी चहल पहल या किस तरीके का लॉकडाउन देवरिया जनपद में है। जब यहाँ पर पूछा गया कि आपने मास्क क्यों नहीं लगाया, तो इन्होंने क्या कहा क्या नहीं कहा, ये देख लीजिए। बिना मास्क के भी ये घूम रहे हैं, मौत से बिल्कुल डर नहीं लग रहा है इन लोगों को। चाहे कुछ भी हो, बस खाली सामान खरीदना है। आप ये देख सकते हैं वीडियो में कि किस तरीके से यहाँ लोग शासन प्रशासन की अनदेखी कर रहे हैं, जो शासन प्रशासन ने कहा है। अब जब पुलिस वाले देख लिए, इन्हें नज़र आ गए, तो इन्होंने यहाँ से दौड़ लगानी शुरू कर दी और भागने शुरू हो गए, चाहे वो लेडीज हैं चाहे वो जेंट्स हैं। लेकिन उससे पहले यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं देखा गया कि लोगों के अंदर कोई डर या भय हो। ये दो पुलिस वाले बाइक पर आए तो इनको देखकर लोग कुछ डरने लगे, लेकिन हम बता दें कि बिल्कुल भी शासन प्रशासन का डर लोगों में नहीं है। मौत को दावत देते हुए नज़र आ रहे हैं, आप देख सकते हैं ये भीड़ का नज़ारा है। कहाँ सोशल डिस्टेंसिंग है ये भी आप देख लीजिए। ये दुर्गा फार्म मार्केट है या दुकान है, किस तरीके की भीड़ आपको इस दुकान पे नज़र आ रही है, आप खुद देखकर वीडियो में अचंभा मान जाएंगे। जहाँ संपूर्ण लॉकडाउन का नज़ारा देख लीजिए। जहाँ योगी जी कहते हैं कि ये राम राज्य है, लेकिन लोगों को भी डर नहीं लग रहा है, क्योंकि शमशान और कब्रिस्तान दोनों में मौतों का आंकड़ा बेहिसाब किताब है, लेकिन लोगों के अंदर बिल्कुल डर भय या किसी तरीके का कोई डर नहीं नज़र आ रहा है। अब देखना होगा कि शासन प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई करेगा या नहीं करेगा, या खाली ऐसे ही देखता रहेगा और लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा। लोग अगर कैमरा देखते हैं तो कैमरे के सामने मास्क लगा लेते हैं, नहीं तो मास्क तक भी नहीं लगा रहे हैं। ये दुकानदार भी इस तरीके का काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बीमारी को फैलाने का पूरा प्रोपगंडा इन लोगों ने रच रखा है। अब देखना होगा कि शासन प्रशासन इन पर कड़ी कार्रवाई करेगा या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि शासन प्रशासन इन पर कोई कार्रवाई करेगा या नहीं। लेकिन फिलहाल जो हम आपको दिखा रहे हैं, इसमें हमने कम से कम 50% लोग ऐसे हैं जिन्होंने मास्क नहीं लगाया है और खुलेआम दुकानें खोल कर रखी हुई हैं, मार्केट खुली हुई है, चाहे वो कपड़े की दुकान है चाहे वो किसी भी चीज़ की दुकान है। ये देखिए, जब इसने देखा कि भाई पुलिस वाले आ रहे हैं तो दुकान को बंद कर दिया जाए, और बंद करके यहाँ से निकलने को तैयार हो गया। हम आपको इसी तरीके से पूरी मार्केट का हम आपको दौरा करा रहे हैं। ये देवरिया की मार्केट है, जहाँ पर लोगों के अंदर बिल्कुल भी पुलिस का या शासन प्रशासन का कोई खौफ नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पर जब पुलिस वाले आए, पुलिस वालों ने आकर देखा, दुकानदार से पूछा, तो उसमें से कई लड़के निकलते हुए भी आपको नजर आ जाएंगे। निकलो, कपड़ा देना है। आप बिल कर रहे हैं?